हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। तो दोस्तों यहाँ पे आज इस वीडियो के अंदर लेके आ चुके हैं एक और इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट, और ये ऐसी प्रोडक्ट है कि बच्चे जो है ना बहुत ही मजे करके जो है इसको यूज करने वाले हैं। तो दोस्तों आज हमारे पास अगेन एक फैंसी पेंसिल, तो इसको जो है यहाँ पे पुश पेंसिल्स भी बोलते हैं, धक्का पेंसिल भी बोलते हैं दोस्तों, और इसका नाम जो है लंटू लेबरिंथ करके कुछ है दोस्तों, LT1302 करके इसका मॉडल नहीं है दोस्तों। चलिए अब जो है ज़्यादा देर ना लगाते हैं, उसको खोल लेते हैं, टेंशन है। तो दोस्तों यहाँ पे आज हमारे पास जो है इस तरीके की काफ़ी एक्साइटिंग जो है पेंसिल्स देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है ना मेज टाइप का पूरा एक यहाँ पे आपको पजल दिया हुआ है, और ये जो है आपको दो जो है यहाँ पे मेटल बॉल्स है उसको जो है आपको मिडल तक लेके जाना है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बच्चों का जो है अच्छा टाइम पास भी हो जाएगा। वैसे ये सब गेम्स जो है ना उसके आज के समय में जो है ना मोबाइल वर्जन भी आ गए हैं, मोबाइल ऐप्स आ गई है दोस्तों, बट फिजिकल चीज़ों में खेलने में मज़ा आता है उतना तो किसी चीज़ में नहीं आता है। तो दोस्तों यहाँ पे चार कलर्स जो है यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। तो एक ये जो है पिंकी चिंकी, गर्ल्स का फेवरेट, ये दूसरा जो है ब्लू कलर का है पूरा, और पीछे जो है यहाँ पे कार ड्रॉ की हुई है, यहाँ पे जो है आपको ऊपर ये लेंटन नहीं बट किटली जो है देखने को मिल जाती है, और उसके बाद यहाँ पे जो है एक आ जाता है इस तरीके का यहाँ पे, और इसके पीछे भी जो है एक कलाकृति है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे तीसरा कलर आ जाता है इस तरीके का, इसके पीछे मुंबई की डबल डेकर बस है, तो लंदन की डबल डेकर बस जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। तो ये जो है प्रीमियम क्वालिटी की जो है पुश पेंसिल्स है, और यहाँ पे जो है बच्चे आपको देख रहा होगा, आई थिंक बच्चों को जो है यहाँ पे इस तरीके की मेज़ के अंदर ये खेल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बीच में जो है लेके जाना पड़ता है। ये 30 रुपये में आपको लोकल मार्केट में दोस्तों मिल जाएगी, ऑनलाइन भी मिल जाएगी। तो इसकी बेस्ट बाय लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हैं, और इसको जो है रिटर्न गिफ्ट में देने के लिए या तो आपको आप अपने बच्चों को भी इसको खरीद के दे सकते हैं, और इसको जो है क्या बोलते हैं कि डोनेशन करने के लिए भी आप खरीद सकते हैं। अगर आपको जो है दिवाली, दशहरा, नवरात्रि, क्रिसमस, न्यू ईयर जैसे ओकेजन पे या तो उत्तरायण जैसे ओकेजन पे जो है ऑर्फनेज में जाके, झोपड़पट्टी में जाके डोनेशन वगैरह करना है, तो उसके लिए भी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो है हमारे पास इस तरीके की पेंसिल्स हैं, तो थोड़ा सा इसको हम टेस्ट आउट भी कर लेते हैं दोस्तों। हमने जो है ना इसके जैसी बहुत सारी फैंसी पेंसिल्स जो है, लीड पेंसिल, धक्का पेंसिल, फैंसी जेल पेन के वीडियोज़ बनाए हैं, तो उसकी वीडियो प्लेलिस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, तो उसको आप ज़रूर से चेकआउट करिएगा दोस्तों। यहाँ पे जो है हम ये पिंक वाली है उसको खोल के देख लेते हैं। तो यहाँ से इसको ऐसा निकालना है और ये जो है पीछे लगा देना है दोस्तों, इस तरीके से काम करता है। तो कुछ कुछ टाउन के अंदर ये जो है ना ये जो लीड्स है, पेंसिल की लीड है, वो अलग से भी मिलती है, बट ज़्यादातर केस में नहीं मिलती है दोस्तों, ज़्यादातर सिटीज़ के अंदर नहीं मिलती है। तो अगर आपके वहाँ पर मिलती है तो आप इसको रिफिल कर सकते हैं, मतलब इसको जो है रीयूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है आप ये वाला शायद निकलता, ये वाला नहीं बट ये ढक्कन जो निकलता है, तो आप उसको जो है क्या करें, इसको आप अपनी वुडन पेंसिल के पीछे लगा के इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है DIY चीज़ें भी सिखाते हैं बच्चों को, कि चीज़ों को जो है ना फेंकना नहीं चाहिए, इसको जब तक वो ख़राब ना हो जाए तब तक उसको यूज़ करना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। और हम बच्चों को भी यही सिखाते हैं, हमारे शॉप पर और ऑनलाइन भी सिखाते हैं कि चीज़ों को जो है ना फेंकना नहीं चाहिए, चीज़ों की जो है अहमियत आपको होनी चाहिए, चीज़ों की अहमियत। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, मैज। तो दोस्तों आपने हैरी पॉटर में उसके भी एक पार्ट में देखा था कि उसमें मैज के अंदर जो हैरी पॉटर फंस जाता है दोस्तों, ये उसी टाइप का मैज है दोस्तों। मैज फैंसी पुश पेंसिल, तो दोस्तों ये जो है एक्स्ट्रा डार्क इसकी लीड नहीं है, बट काफ़ी अच्छा है दोस्तों, कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं है। तो आप चाहें तो मेरी हैंड राइटिंग को 10 out of 10 भी दे सकते हैं, मे बी आपको दिख रहा होगा शायद। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, तो दोस्तों इसको आप ज़रूर से ट्राई आउट करें और अपने अनुभव जो है कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही। जाने से पहले एक सवाल, अभी आप इंडिया में कहाँ पे रहते हैं और क्या पढ़ाई कर रहे हैं, फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।